डिक्रिप्ट न्यूमेरो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे। सो चलिए पहले देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1998 और जो पर्सन है वो एक फीमेल है जिनका नाम फिलहाल वीडियो में नहीं लेना चाहता हूँ। तो इनका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 4। मूलांक 1 होता है सूर्य का नंबर और एक राजा का नंबर। भाग्यांक जो है एक राहु का नंबर है। कुआ नंबर इनका 4 है। सो कुआ नंबर निकालने के लिए इसका कैलकुलेशन अलग से होता है। तो कुआ नंबर फीमेल के लिए हम लोग ईयर को प्लस करते हैं, जैसे 9+1 10, 10+9 19 और 19+2 27। सो 27 को प्लस करेंगे तो 9 निकलेगा और 9 के साथ फिर हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, जो फीमेल के लिए हम लोग 4 ऐड करते हैं। मेल के लिए कुआ नंबर का फॉर्मूला अलग है, वो कभी किसी और दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। सो अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो मूलांक 1 वालों का कैरेक्टरिस्टिक मेनली लीडरशिप रहता है, लीडर क्वालिटी के रहते हैं। वो लोग दूसरों का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी के ऑर्डर से वो लोग काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर वो काम नहीं कर सकते, सप्रेशन में काम नहीं कर सकते। वो दूसरों को लीड करने में पसंद करते हैं, अथॉरिटी चाहिए। जैसे एक राजा को रॉयल लिविंग चाहिए, ठीक उसी तरह इनको भी रॉयल लिविंग चाहिए। लेकिन राजाओं का एक ईगो प्रॉब्लम रहता है, तो जिसका भी मूलांक 1 है उन लोगों का एक ईगो प्रॉब्लम रह सकता है। तो अभी देखते हैं अंक कुंडली को कैसे प्रिपेयर करते हैं। लोशुग्रिड जो ग्रिड मैं यूज़ करता हूँ वो उसे लोशुग्रिड कहते हैं, और लोशुग्रिड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इनका अगर डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं तो लोशुग्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी इनका अगर कैरेक्टरिस्टिक और डिटेल्स हम लोग देखते हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक मेंटल लाइन अगर देखें, मेंटल लाइन जो है सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, जो 2 नंबर है 2 नंबर मिसिंग है। सो मेंटली हम लोग कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट 60-70% मेंटली स्ट्रांग है। इनका गॉड गिफ्टेड ब्रेन भी कह सकते हैं और इनका फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो कुछ भी देखती है आराम से इनको याद रह जाता है। इमोशनल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है कंपेयर टू मेंटल लाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, जो 5 और 7 है, 5 और 7 इनका मिसिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नहीं है, किसी को इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, और कह सकते हैं कि मेंटली वो ज़्यादा सोचते हैं, हार्ट से ज़्यादा नहीं सोचते हैं। प्रैक्टिकल लाइन भी इनका अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, कुछ भी चीज़ें वो डीपली सोचते हैं, समझते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं, लॉजिकली उनको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। और इनका अगर थॉट लाइन देखें तो बहुत ही अच्छा है, 100% थॉट लाइन। इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो ये डिसिप्लिन भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है और फार साइटेड भी है। इनका विल पावर भी बहुत अच्छा है, कोई भी सिचुएशन ये एडजस्ट कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने से बाउंस बैक भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क से इनको सक्सेस मिलते हैं। सो इनको अगर सफलता चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हैं, ये शॉर्टकट से पैसा कमा नहीं सकते। फिर इनका विल पावर के बाद एक्शन लाइन देखें तो एक्शन लाइन टोटली ब्लैंक है। सो एक्शन लाइन इनका ज़्यादा बहुत एक्शन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये, कुछ भी काम करने से पहले बहुत सोच समझ के ही करते हैं। ये एक पॉजिटिव पार्ट भी हो सकता है, कभी कभी किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी होता है, क्योंकि बहुत सोचने से भी कभी कभी कुछ कामें खराब हो जाते हैं। तो इनका एक्शन लाइन टोटली ब्लैंक है, तो सोच समझ के ही काम करेंगे। फिर उनका राजयोग देखते हैं। राजयोग जो है इनका सिर्फ एक ही नंबर है, 2 नंबर फिर से मिसिंग है, तो ये नहीं कह सकते कि इनका बहुत नेम फेम होगा। कुछ रेमेडी अगर करेंगे तो डेफिनेटली नेम फेम भी होगा, लेकिन अभी के लिए इनका इतना भी नेम फेम नहीं होगा। प्रॉपर्टी लाइन भी देखें तो प्रॉपर्टी लाइन भी 2 नंबर मिसिंग है, जो अर्थ एलिमेंट होता है प्रॉपर्टी लाइन का 8 है, बाकी 5 और 2 नंबर मिसिंग है, जिस कारण बस यही कह सकते हैं कि इनका अगर प्रॉपर्टी होगा तो भी फैमिली मेम्बर से ही प्रॉपर्टी होगा, खुद से वो शायद प्रॉपर्टी ना ले पाए।
लेकिन प्रॉपर्टी भी इनका स्टेबल नहीं होगा क्योंकि 5 नंबर मिसिंग है। अगर फैमिली से भी अगर प्रॉपर्टी मिल भी गया इनको तो उस प्रॉपर्टी में ये नहीं रहेंगे क्योंकि 5 नंबर नहीं है, या तो जॉब के कारण या फिर कोई भी किसी कारण से वो उस प्रॉपर्टी से दूर ही रहेंगे। सो यही है इनका 8 योग जो मेनली हम लोग देखते हैं। कैरियर अगर इनका देखें तो मेनली जो 1 नंबर और 4 नंबर का है तो वो लोग पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस में जा सकते हैं क्योंकि 1 नंबर राजा का नंबर है, 4 नंबर राहु का नंबर है। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में ये लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बिजनेस भी कर सकते हैं। सो ये है उनका कैरियर। अभी अगर इनका कॉम्पेटिबिलिटी देखें कि किस नंबर के साथ इनका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, अभी राजा है तो राजा का हमेशा दूसरे राजा के साथ या फिर रानी के साथ, मतलब जिसका मूलांक 2 है, 1 है, 3 है, 6 है, 5 है और 9 है, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी रहेंगे। लेकिन नॉन फ्रेंडली नंबर इनका 8 है, मतलब जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, उन लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। हम लोग कह भी सकते हैं कि उन लोगों के साथ या तो एनिमी भी हो सकता है। अभी जो जो नंबर्स इनका रिपीटिंग है, जैसे अभी 1 देखे तो 1 2 बार है, तो ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, बातें बहुत अच्छा कर लेते हैं, इतना इंट्रोवर्ट नहीं है ये, एक्सट्रोवर्ट ही होंगे, इम्पार्शियलिटी है। फिर आता है नंबर 3। 3 नंबर इनके ग्रीड में है तो ये क्रिएटिव भी होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होगा। फिर 4 डबल है, डबल 4 होने से इनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा। सो जिसके भी ग्रीड में डबल 4 रहते हैं उन लोगों को एक अगर कहते हैं कि उन लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए और रूम को बहुत ही गंदा करके रखते हैं, तो ये लोग उस रूम में जाके बहुत अच्छा सुंदर से वो लोग सजा करके उस रूम से निकल के आएंगे। ऐसे लोग इनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा भी होगा कि ऑफिस से आने के बाद अगर रूम में घुसेंगे तो पहले फ्रेश होने से पहले वो लोग पहले रूम को ठीक करेंगे, उसके बाद ही फ्रेश होंगे। सो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इनका भी होगा। उसके बाद अगर आए नंबर 8, सो नंबर 8 है मेनली मनी और फाइनेंस का, तो ये खुद अपना पैसे को मैनेज कर सकेंगे, फाइनेंशियली वो खुद ही मतलब अपने आप को मैनेज कर सकेंगे, लॉजिकल होंगे और 8 नंबर आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं। फाइनेंशियल के लिए देखिए दोस्तों, नंबर 4 और नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 देता है कैश फ्लो, नंबर 8 होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 नहीं होते तो वो लोग पैसे कमा नहीं सकते या फिर वो लोग बहुत ही खर्च कर देते हैं, इसलिए नंबर 4 राहु और शनि का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नंबर 9 डबल 9 है, तो ये लोग नंबर 9 होने से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये लोग खुद को बहुत बेस्टी समझते हैं और कभी गलत कुछ हो भी जाता है, मतलब कुछ गलती भी करते हैं तो इतनी आसानी से गलती मान नहीं लेते, लेकिन अपना पॉइंट को प्रूफ करते हैं। सो यही है इनका मेन नंबर्स। अभी मिसिंग नंबर्स अगर देखते हैं कि क्या क्या नंबर मिसिंग है, सो पहले नंबर 2 नंबर मिसिंग है, तो 2 नंबर मिसिंग होने से ये लैक ऑफ सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा दूसरों का फीलिंग्स का इतना केयर नहीं करेंगे और अपना गलती इतनी आसानी से मान नहीं लेते हैं। फिर नंबर 5 मिसिंग है, जिसके कारण उनका लाइफ में जो गोल है चेंज होता रहता होगा, वर्सेटाइल होता रहता होगा, को आज कुछ ये करना चाहते तो कल दूसरा कुछ करना चाहते, तो ऐसा थोड़ा सा उनका रहेगा मन। 6 नंबर मिसिंग होने से रिलेशनशिप का इश्यूज़ रहता है थोड़ा सा, घर के साथ भी, या हो सकता है कि बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक हो, बाद में शादी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा जब या जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो सोसाइटी से भी ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। नंबर 7 भी मिसिंग है, जिस कारण इनका स्पिरिचुअल या फिर रिलीजन शायद इतना बिलीव ना हो इनका। तो अभी अगर रेमेडी के बारे में हम बात करें, नंबर 2 और 5 का रेमेडी ये होता है तो कि वो क्रिस्टल ब्रेसलेट एक पहन सकते हैं। 6-7 मिसिंग होने के कारण ये एक घड़ी पहन सकते हैं जिसका चेन का कलर गोल्डन और सिल्वर दोनों रहे। सो यही है इनका टोटल एनालिसिस। अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, कोई भी इसमें जेंडर कास्ट रिलीजन के बारे में नहीं है, आप पार्ट टाइम भी इसको सीख सकते हैं, अगर आप सर्विसमैन भी हैं बिजनेस भी करते तब भी सीख सकते हैं,
फुल टाइम भी इसको सीख सकते हैं, बस सीखने का भूख होना चाहिए। सो क्या कर सकते हैं, आप करियर भी बना सकते हैं इसमें, एक नया अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। अभी जैसे कोविड के कारण बहुत लोगों का नौकरी में प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस भी अच्छा खासा नहीं चल रहा है, तो वो लोग न्यूमरोलॉजी सीख के यहाँ से थोड़ा सा इनकम कर सकते हैं। बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट है जो महीने का बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी से, और अपना लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर मनी वाइज भी नहीं देखें तो आप घर के फैमिली मेम्बर्स का लाइफ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग भी है, किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके आप उन लोगों का एनालिसिस या फिर कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस कारण मैं सीखा था। सो न्यूमरोलॉजी सीखने से आपको पूर्णांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, 81 कम्बिनेशन, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, एंटी ऑपोजिट नंबर्स, मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी, योगा, कितना योग्स रहते हैं, फिर पर्सनल कलर, पर्सनल ईयर कलर, डेट, जितना भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया उससे ज़्यादा आप लोग न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी है, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ भी होता है तो हेल्थ इश्यूज़ क्यों है, उस क्या क्या रेमेडी करके आपका हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर सकते हैं। कुछ बोनस टॉपिक्स भी रहेंगे जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ रहेगा। फिर बिजनेस के लिए कैसे आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, वेबसाइट कैसा होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, ईमेल कैसा होना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाएगा। सो उसमें नेम न्यूमरोलॉजी होता है जिसमें हम नॉर्मली चार्ज करते हैं 555 सिग्नेचर, और हैंडराइटिंग एनालिसिस जो 299 होता है, और न्यूमरोलॉजी ओवरऑल कोर्स का फीस होता है 2,999। तो ग्रैंड टोटल होता है 3,853, जो अभी मैं ऑफर में दे रहा हूँ सिर्फ 2,100 में। सो क्लासेस ऑनलाइन होंगे, इवनिंग होते हैं, सो सब लोग फ्री होकर आराम से क्लास कर सकते हैं। टोटल 5 to 6 डे क्लासेस रहते हैं। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मैं क्लासेस को इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इन फ्यूचर में भी जितना भी न्यूमरोलॉजी क्लासेस होंगे आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है अभी। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। न्यूमरोलॉजी एनालिसिस आपको अगर करवाना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे की वास्तु कंसल्टेशन भी करता हूँ, टैरो रीडिंग भी करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा जो फेसबुक पेज है डिक्रिप्ट न्यूमर, और इंस्टाग्राम में जो पेजेस है उसको प्लीज़ 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 फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।